Hi everyone, today we're going to discuss a very important topic which comes under higher education. आज हमारा revision day 18th है and आज हम बात करेंगे current affairs में अभी एक topic add हुआ है हमारा that is new educational policy जिसका draft अभी हाल ही में submit हुआ है. So we're going to discuss all the important points in detail कि exam में question कैसे आ सकता है, exam में कहाँ कहाँ से question पूछे जा सकते हैं, हम वो भी discuss करेंगे. Plus ये जो ड्राफ्ट गया है इसमें क्या क्या प्रपोजल्स गए हैं, इनके चेयरमैन कौन हैं, इसमें क्या क्या कमिटीज कमीशन्स लॉन्च हुई हैं, ये सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं इन योर एग्ज़ाम. सो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं. योर एग्ज़ाम इज़ क्वाइट क्लोज सो डू ज्वाइन द ग्रुप जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. सो वी विल डिस्कस द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इन सच अ पैटर्न कि अगर हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ बिकॉज इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो इफ़ वी सी द ड्राफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस ड्राफ्ट में दैट इज़ इसके चेयरमैन कौन है, who submitted the draft of new educational policy in 2019. So let's see. So the chairman of draft for new educational policy was K. कस्तूरी रंजन. सो अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है सो पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है for new educational policy that is who is the chairman of the draft for the national educational policy. So your answer will be K. कस्तूरी रंजन जो कि former chairman थे इसरो के एंड एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा. सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जिसका आंसर होगा के कस्तूरी रंजन. सो नाउ लेट्स डिस्कस द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इन डिटेल कि ये क्यों लाई गई, इसके क्या क्या प्रपोजल्स थे एंड इसमें क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं. सो लेट्स सी. सो वट वॉज द नीड, इसकी इसको लाने की नीड क्या थी, वट वॉज द नीड टू सबमिट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इन 2019. So the first one is the National Policy on Education which was modified in 1992 needed changes to match the current and the emerging educational needs of the country. So what is the first point ki jo new educational policy lai gayi hai isko lane ka main जो क्राइटेरिया है जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है सो दैट इट कैन मैच द इमर्जिंग नीड्स द करंट नीड्स द फ्यूचर गोल्स ऑफ द कंट्री. जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे फ्यूचर गोल्स हैं, जो हमारे क्राइटेरिया हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यंग जनरेशन की, उनको मैच करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए इस एजुकेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट सबमिट हुआ है. अगर देखा जाए टाइम टू टाइम एजुकेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड कमिटीज़ या फिर ड्राफ्ट सबमिट होते रहे हैं. इफ़ यू सी द पास्ट 1968 में कोठारी कमेटी आई थी, वहाँ पर भी एक ड्राफ्ट सबमिट हुआ था, वहाँ भी एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड बात हुई थी. उसके बाद 1986 में दोबारा हुआ, 1992 में हुआ और उनमें जो चेंजेस चाहिए, उनमें जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स वी नीड टुडे बिकॉज ऑब्वियसली विद टाइम यू नीड सम रिक्वायरमेंट्स, यू नीड सम चेंजेस बिकॉज टाइम के साथ साथ एजुकेशन की नीड्स भी बदलती रहती हैं. सो उसके साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं और जो चेंजेस हमें चाहिए वो हमने ये न्यू पॉलिसी में ऐड किए हैं दैट इज जो कि हम आगे पढ़ेंगे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज डिजाइन टू फुलफिल द कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स. ये पॉइंट मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया है, जो हमारी कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे करंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लाया गया है. और हमारी जो करंट एजुकेशनल पॉलिसी के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर फोकस होगा दैट इज़ फील्ड ऑफ एजुकेशन, इट्स क्वालिटी, इनोवेशन एंड रिसर्च. तो ये पॉइंट याद रखने हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन, इट्स क्वालिटी एंड इनोवेशन प्लस रिसर्च, यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा. And third point is the introduction of relevant skills and knowledge to the young generation. Relevant skills जो होती हैं and जो knowledge होती हैं उनको नई generation तक पहुँचाना है. Now our fourth point is to eliminate the shortage of manpower in science, technology, academics and industry. जो shortage है manpower की हमारी important fields में उनको कम करने के लिए, बिल्कुल ही eliminate करने के लिए new educational policy को लाया गया है. So ये जो चारों points हैं you have to remember these points that what was the need for the new educational policy draft. So ये point याद करना ज़रूरी है. Then comes vision of new educational policy. This is very important from exam perspective कि जो vision है new educational policy का वो क्या है. Let's see the vision now. So the vision of new educational policy अगर हम देखें इसमें
जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, दो पॉइंट्स, दीज आर, इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग अवर नेशन सस्टेनेबली इंटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी. सोसाइटी को इक्विटेबल बनाना है, इक्वल बनाना है, प्लस वाइब्रेंट नॉलेज क्रिएट करनी है सब में. सेकेंडली, इट फोकसेस ऑन हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल. अगर एजुकेशन देनी है वो कैसी देनी है, हाई क्वालिटी देनी है. क्वालिटी में फोकस रहेगा, नॉलेज में फोकस रहेगा, प्लस इक्विटी में फोकस रहेगा. तो हमारे विजन में तीन चीज़ें याद रखनी है, क्या होंगी, इक्विटी, नॉलेज एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल. तो विजन में यही याद करना है. देन कम्स फाइव मेजर पिलर्स ऑफ ड्राफ्ट पॉलिसी. ये जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ है इसके जो फाइव पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं. कई बार एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट आर द फाइव पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 2019. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फाइव पिलर्स ऑल्सो. सो नाउ द पिलर्स आर, फर्स्ट इज एसेस, सेकेंड इज इक्विटी, थर्ड इज क्वालिटी, फोर्थ इज अफोर्डेबिलिटी, फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी. सो दीज आर द फाइव मेजर पिलर्स ऑफ द ड्राफ्ट पॉलिसी विच यू हैव टू रिमेंबर केयरफुली. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज फॉलोइंग आर द की चेंजेस प्रपोज. नाउ यहाँ से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि क्या क्या की चेंजेस प्रपोज हुए हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत है. प्लस ये चीज़ें जो डिटेल में आई हैं कि ये सारे चेंजेस आए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स सी स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट. So first one is to ensure that it touches the life of each and every citizen. First of all, ये चीज़ ज़रूर ensure करनी है कि ये हर एक इंसान की, हर एक individual की जो life है उसको touch करे, to touch the life of each and every citizen. Secondly, it is aligned with the aspirational goals of 21st century while remaining consistent with India's traditional and value system. एक तरफ जो future के, जो current के goals हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो मैच करना ही करना है, बट साइमल्टेनियसली जो इंडिया की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको भी साथ लेके चलना है. सो दिस विल बी पैरेलल, ये जाएगी पैरेलल. अगर करंट का ध्यान रखना है तो ट्रेडिशंस का भी ध्यान रखना है. थर्ड पॉइंट इज इट फोकसेस ऑन टेकिंग फॉरवर्ड द एजेंडा ऑफ प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसीज. लाइक आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड कि जो स्टार्टिंग से जो एजुकेशनल आ रहे हैं एजेंडाज, लाइक कोठारी कमिटी से हुआ स्टार्ट, उसके बाद 1986 एंड 1992, तो उनके जो एजेंडाज हैं उनको भी साथ लेके चलना है, उनको छोड़ना नहीं है. सो दिस पॉइंट इज अबाउट दैट. नाउ द फोर्थ वन इज मिनिस्ट्री. तो यहाँ पर अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, ध्यान से सुनिएगा. मिनिस्ट्री में द कमिटी हैज़ प्रपोज टू रीनेम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE. तो यहाँ क्या हो गया है, फ्रॉम MHRD टू MOE. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट वट इज़ द रीनेम ऑफ द MHRD. सो यू हैव टू आंसर, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. एंड ये किसने चेंज किया, द ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019. सो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है. देन कम्स करिकुलम. करिकुलम में क्या है, इन स्कूल एजुकेशन अ मेजर रिकन्फिग्रेशन ऑफ करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज. अब यहाँ पर बोला गया है कि स्कूल एजुकेशन में इसको बेसिक से ही, इसको पूरे ग्रास रूट लेवल से ही चेंज करना है, मॉडिफिकेशन लाना है करिकुलम में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉलिसी कॉल्स फॉर एन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एज एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन. नाउ ये पॉलिसी में एक नई चीज़ और ऐड हुई है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो एक इनिशिएटिव है इसको ऐड करना है एज एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन. अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा इसमें जो एजुकेशन का नया पॉलिसी है वो ऐड हुआ है, तो आंसर क्या होगा, द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च हुआ है ECCE. और एंड इसका फुल फॉर्म भी याद करना है, क्या पता इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, वहाँ पर दे दिया जाए ECCE एंड उसका फुल फॉर्म आपको बताना हो. सो ये भी याद करना जरूरी है. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड्स टॉक अबाउट फैसिलिटेटिंग नेशनल डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना, कैसे करना, फॉर एग्जाम्पल टू लाइक इंडिया एस्पायर टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी आफ्टर USA, चाइना एंड ऑल्सो फैसिलिटेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन सिस्टम. अब इंडिया में देखिए हमारी जो हाफ जनरेशन है वो बहुत यंग है, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन, एंड अगर उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, इफ दे विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इफ दे गेट गुड स्कूलिंग, तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो ऊपर जाएगा. सो दे विल बी पीपल हु कैन वर्क इन डेवलपिंग सेक्टर, हेंस इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है वो ऊपर जाएगा, वी कैन ईजिली अचीव द
status of a largest economy. So yahan par point mein yahi baat ho rahi hai. Now the next point is child education. So child education ke liye kya bola gaya hai? It focuses on early childhood care, meaning jo early stage hota hai wahan se childhood care karna zaruri hai. Education, every child in age range of 3 to 6 years has access to free, safe, high quality, developmentally appropriate care and education by 2025. अब यहाँ जरूर याद रखिए, यहाँ goal क्या दिया गया है, by 2025 तक क्या करना है, जो early child education है वो मिलेगा 3 to 6 years के बच्चों को free, safe and high quality. तो ये points याद रखने हैं इस तरीके से कि क्या बोला है, कितनी एज तक के बच्चों को बोला है, प्लस कौन सा जो ईयर है तब का टारगेट दिया है. फॉर इंस्टेंस यहाँ कितना दिया है, 2025. नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. यहाँ बोला गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी की बात करी गई है एंड न्यूमरेसी की बात करी गई है. दैट इज बाई 2025 एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड हैज अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. विच मीन्स कि हर एक बच्चे को एक बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, एक जो बेसिक लिटरेसी होती है, सो दैट दे कैन डू देयर बेसिक वर्क, दे कैन अंडरस्टैंड देयर बेसिक थिंग्स, वो चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है. कि हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को एक बेसिक लिटरेसी के बारे में पता हो, कि एक बेसिक एजुकेशनल आइडियाज़ की नॉलेज हो, न्यूमेरिकल्स की जो बेसिक नॉलेज होती है फॉर देयर डेली नीड्स, उनको उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए. नाउ कम्स डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग. विच मीन्स डिजिटल लिटरेसी होना भी ज़रूरी है, कंप्यूटर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली बुकिश नॉलेज, सिर्फ बुक्स की नॉलेज नहीं, डिजिटल नॉलेज भी, कंप्यूटर्स की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. देन कम्स इंट्रोड्यूसिंग एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम. सिर्फ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चीज़ें नहीं, बल्कि एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ भी करिकुलम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, वो भी थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ स्कूल. स्कूल में आप चाहे छोटी क्लास में हो या फिर बड़ी क्लास में हो, यू विल हैव दिस थिंग, दैट इज़ एथिकल पार्ट विल बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन योर एजुकेशन. देन कम्स नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स की नॉलेज होना भी अब ज़रूरी होगा. ये भी पॉलिसी में आया है कि करंट अफेयर्स का पूरा एक अवेयर होना भी ज़रूरी है उसमें. देन कम्स नेशनल टेक्स्ट बुक्स विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर. जो नेशनल टेक्स्ट बुक होंगी उनमें जो लोकल कंटेंट होगा, जो रीजनल चीज़ें होंगी, जो फ्लेवर होगा, उसका भी टच होगा. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द अलाइनमेंट विद द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके साथ भी पैरेलल लेते हुए चलना है, उनको भी देखना है, एंड उन्हीं के साथ साथ जो हमारे गोल्स हैं वही मैच करने चाहिए. देन कम्स इंटरग्रेटेड येट फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एजुकेशन. इंटरग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है और फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके चलनी है एजुकेशन की. देन कम्स फोकस ऑन हाई क्वालिटी रिसर्च. रिसर्च जो होनी चाहिए हाई क्वालिटी होनी चाहिए. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, हैविंग रिसर्च क्लासेस इन स्कूल्स, बट देयर क्वालिटी शुड बी हाई. देन कम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ कि जो करिकुलम है, जो पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर है स्कूल का, उनको कैसे अब डिवाइड किया गया है. सो द फॉर्मूला इज 5+3+3+4, जो कि बेस्ड है कॉग्निटिव, नॉलेजेबल एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन के. तो यहाँ क्या फोकस किया गया है, 5+3+3+4, एंड ये इसका बेसिक क्या है, कॉग्निटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज नॉलेजेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चिल्ड्रन की. और वो कैसे किया गया है डिवाइड, फाउंडेशनल स्टेज वो क्या दिया है, 3 to 8 years, 3 years ऑफ प्री प्राइमरी क्लास ग्रेड 1 to 2. देन कम्स प्रिपेटरी स्टेज 8 to 11 years, ग्रेड 3 to 5 आएगा इसमें. फिर आता है मिडिल स्टेज बच्चों का, उसमें क्या होगा, फ्रॉम 11 to 14 years, इसमें जाएंगे ग्रेड 6 to 8. उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज विच कम्स 14 to 18 year स्टूडेंट, उनमें आएगा उनका ग्रेड 9 to 12. यहाँ पर 9 से लेकर 12th क्लास की बात हो रही है. सो दिस विल बी द बेसिक डिविजन, जैसे कि जिसमें कि डेवलपमेंट की बात करी गई है चिल्ड्रंस के. सो ये पॉइंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ न्यू करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर द स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो यू हैव टू आंसर 5+3+3+4. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पॉलिसी ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस कंटेंट लोड इन स्कूल एजुकेशन
करिकुलम. सो यहाँ पर फोकस किया है कि कंटेंट लोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर प्रेशर होना बिल्कुल नहीं चाहिए. सो यहाँ बात करी गई है जो कंटेंट होगा, जो भी सब्जेक्ट होंगे, उनका लोड स्टूडेंट्स में बिल्कुल नहीं जाएगा, सो दैट दे कैन लर्न इट ईजीली, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आर्ट्स, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योगा, कम्युनिटी सर्विस एक्सेट्रा विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम. नॉट ओनली अबाउट द बेसिक अकेडमिक थिंग्स बट आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, योगा, दीज विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम नाउ. देन कम्स द स्कूल्स विल बी रीऑर्गेनाइज इन टू स्कूल कॉम्प्लेक्सेज. स्कूल्स को रीऑर्गेनाइज करा जाएगा कैसे, स्कूल कॉम्प्लेक्सेज में. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पॉलिसी प्रमोट्स active pedagogy to focus on the development of core capacities and life skills including 21st century skills. So yahan bola gaya hai ki jo policy hai usme ye bola gaya hai ki usme include kiya jayega development ke kuch naye visions ko, aur wo visions kya honge, hamari jo current phase chal raha hai the 21st century skills wo bhi usme add kari jayengi. Now the next point is very important, that is RTE Act. RTE Act में क्या बोला गया है, Right to Education Act में यहाँ क्या बोला गया है, The committee recommends extension of Right to Education Act 2019. अब यहाँ बोला गया है कि जो 2009 में RTE आया था Act, उसको extend किया जाए not only for 6 to 14 years के लिए, now 3 to 18 के लिए. तो अब यहाँ बोला गया है कि इसमें 3 to 18 year के सभी बच्चों को लिया जाएगा. पहले क्या होता था 6 टू 14 ईयर्स, अब क्या है 3 टू 18, जो कि ड्राफ्ट में बोला गया है. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज टीचर एजुकेशन. अब नेक्स्ट स्लाइड में टीचर एजुकेशन की बात करी गई है. सो यहाँ पर क्या बोला गया है, द कमिटी प्रपोजेज फॉर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन टीचर एजुकेशन. कमिटी ने यहाँ प्रपोज किए हैं जो आइडियाज वो मैसिव करे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीचर एजुकेशन के. उसमें क्या क्या आता है, इट कॉल्स फॉर शटिंग डाउन सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है फॉर टीचिंग, फॉर प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, उनको बंद कर दिया जाए. उसके बाद आता है इट प्रपोजेज मूविंग ऑल टीचर प्रिपरेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स इनटू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस. अब यहाँ बोला गया है जितने भी टीचर प्रिपरेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं जो कि फेमस हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए, वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए. नेक्स्ट आता है फोर ईयर इंटीग्रेटेड स्टेट स्पेसिफिक बीएड प्रोग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोर ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है वो मिनिमम डिग्री होगी टीचर बनने के लिए. सो अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर टीचर प्रोग्राम वो क्या होगा, डैट विल बी बीएड नाउ, फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम. नाउ द नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए क्या बोला गया है, अब अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद थ्री टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाज प्रपोज्ड. अब यहाँ बोला गया है कि हायर एजुकेशन का जो रीस्ट्रक्चर होगा उसके लिए तीन तरह के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रपोज किया गया है. एंड दिस विल बी ड्रिवन बाय टू मिशन, और ये दो मिशन के थ्रू ड्रिवन होगा, डैट विल बी मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला. तो ये मिशन याद करने हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जो उसके रीस्ट्रक्चर के लिए जो दो मिशन लॉन्च हुए हैं वो क्या क्या है, मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला. क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज दे विल बी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा. और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो, लाइक बीएससी, बीए, बीकॉम, बीवॉक of 3 and 4 year duration having multiple exit and entry options. Now the next point is institution. अब यहाँ पर कौन कौन से institutions, कौन सी commissions या फिर कौन से जो organizations हैं उनको propose किया गया है in this draft. पहला आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग is proposed. तो ये जो institutions की बात करें जो एक new body को propose किया गया है, that is राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि दिस इज टू अनेबल अ होलिस्टिक एंड इंटरग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल एजुकेशन इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स इंटरवेंशंस. तो यहाँ ये जो बॉडी होगी इसका मेन फोकस क्या रहेगा, फोकस विल बी होलिस्टिक एंड इंटरग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन, कि सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, सबको एक होलिस्टिक वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में साथ लेकर चलना है एंड डेवलपमेंट करनी है.
एंड दी नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. अब ये जो नेक्स्ट वन है ये प्रपोज किया गया है फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर. जैसे कि हमने पहले पॉइंट्स में क्या डिस्कस किया था, हाई क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए, तो ये उसी का पार्ट लगा लीजिए कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के लिए क्या इनिशिएट किया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. तो अगर क्वेश्चन आता है वट बॉडी वॉज प्रपोज्ड, वट बॉडी इज प्रपोज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, योर आंसर विल बी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल हेल्प बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन. और ये क्या करेगा, और इट विल हेल्प इन बिल्डिंग द रिसर्च कैपेसिटी. जो रिसर्च कैपेसिटी है इंडिया की वो उसको बढ़ाने में और हेल्प करेगा. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ जो थर्ड पॉइंट है दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को लॉन्च किया है वो किस लिए किया है, टू बी द रेगुलेटर, the number one regulator for all higher education including professional education. तो ये भी याद रखना है. Then comes professional standard setting bodies. Professional standard setting bodies को भी लाया गया है for each area of professional education was proposed. Now the next one is very important. This is very important because यहाँ पर अब UGC का जो नाम है उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है. देखिए UGC obviously एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमारा जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें UGC ही कवर करता है. तो UGC के बारे में सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि UGC को जो ट्रांसफॉर्म करके नया नाम सोचा गया है, प्रपोज हुआ है, उसका नाम क्या है, दैट इज़ हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, HEGC. अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है. वहाँ पर HEGC भी दे सकते हैं, उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन है ये किसके लिए हुआ है, ये किसके लिए प्रपोज किया गया है, कौन सी बॉडी के लिए, यू हैव टू आंसर UGC. या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये आया है, सो योर आंसर विल बी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 2019. Now the private and public institutions will be treated on par and education will remain a non-for-profit activity. तो पहले क्या होता था, प्राइवेट institutions used to think about their profit more, but now इन दोनों को equal कर दिया है, private को भी and government को भी, कि education को not for profit view में देखा जाएगा, दोनों में कोई difference नहीं रहेगा. So now if we see the last slide, यहाँ पर बात करी गई है language के लिए कि लैंग्वेज में प्रमोट करना है इंडियन एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को एंड सेटिंग अप ऑफ 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन एंड प्रकृत. तो ये P3 जो है इसको याद रखना है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द थ्री न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स जिनको बोला गया है, जिनकी लॉन्च करने की बात करी गई है, तो वो पाली, पर्शियन एंड प्रकृत के लिए बोला गया है. Now the second point is Indian Institute of Translation and Interpretation IITI has been recommended. तो किसको recommend किया गया है, Indian Institute of Translation and Interpretation को भी, जो कि language के under आएगा. तो language के under अगर पूछा जाए किस चीज़ को recommend किया गया है, कौन से एक body को recommend किया गया है, your answer will be Indian Institute of Translation and Interpretation. अब now let's see इस policy में क्या क्या बोला गया है. So इस policy में बोला गया है the policy called for proper implementation of the three language formula. जो तीन language formula का जो बात करी गई है implementation की इस policy में, इसी के बारे में बोला गया है, जो कि 1968 से ये पूरा चलता आ रहा है. फॉर जो थ्री लैंग्वेज का सिस्टम है, ये जो इसका एक प्रपोजल है, ये 1968 से देखा जाए कोठारी कमिटी से तब से चलता आ रहा है. और यहाँ पर इस पॉलिसी में भी उसको लेके बात करी गई है इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्या आता है, स्टूडेंट्स इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा भी उन्हें एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, दे हैव टू लर्न इट. सेकेंडली इन नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स, जो नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पर स्टूडेंट्स को हिंदी का पता होना बहुत ज़रूरी है विद देयर रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश. आपको रीजनल एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा, बट आपको हिंदी का लर्न करना भी ज़रूरी है. वेयर, जहाँ पर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज द कॉन्ट्रोवर्शियल थ्री लैंग्वेज प्रोविजन्स वॉज हाउ एवर ड्रॉप्ड आफ्टर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन मैनी स्टेट्स. ये जो थ्री लैंग्वेज प्रोविजन को लेके बातें हैं, जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, इनको ड्रॉप कर दिया गया है कुछ स्टेट्स में जहाँ पर प्रोटेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो भी हमने डिस्कस करेंगे, ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019,
ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये सारे पॉइंट्स अभी ड्राफ्ट में गए हैं, ये अभी अप्रूव नहीं हुए हैं. दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द ड्राफ्ट फॉर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019 एंड इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फ्रॉम हायर एजुकेशन पार्ट. हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. चेयरमैन को याद रखना है, विजन को पढ़ के जाना है, प्रपोजल्स जो थे उनमें क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं, 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला है याद करना है, प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें रिकमेंडेशंस आए हैं, बॉडीज़ की बात हुई है, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है, उन सबको पढ़ के ज़रूर जाना है. सो दिस वॉज अबाउट दी ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019 दैट वी हैव डिस्कस्ड. एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. And to know about the courses and exams, you can always click the link जो कि आपकी स्क्रीन में right side में है. Thank you for watching the video. Subscribe to our channel and press the bell icon.